दिल्ली कैंपस में कैसे आ गए? इसका जवाब मुझे चाहिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बेटों, मैं आपसे जो मेरी नियत से बात हुई, मैंने उन लोगों को, लेकिन लोग न जाने कैसी कैसी बातों को कह रहे हैं। मेरे भाइयों, बहुत जरूरत है, इतिहास कायम करो, एक हो जाओ मेरे भाइयों, क्योंकि किताब ज्यादा रहेगी कब तक? कभी तो आकाश से बाप होगा और जिन्होंने बत्ती उजाड़ डाली, कभी तो उसका हिसाब होगा और वो दिन क्या है जो आज तक पैदा बेटा भूख कह के झुकते। अब उठी जाओ वतन वालों, अब खून सबे कम तोड़ दिया, अब चार उठे ऐसी बात है दुनिया को जगा कर ये बात आया है दुनिया पर, हम खून भी है तलवार भी है। ये बात आया है दुनिया पर, हम खून भी है तलवार भी है। क्या पद में जहाँ महकाएंगे ये खून में नहा कर सकते है। अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन न बेच देना। दोस्तों साथियों, हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे हिंदुस्तान। कल यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की टीम हमारा साथ देगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये केस लड़ेगा। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों, सारी की सारी यूनियन टूटी पड़ी है, उनके साथ मेरे तुलबा जो है हाथ पैर तोड़े पड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी जो है इस बात का इंतजार नहीं किया कि हम कहीं की यूनिवर्सिटी की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं, या हम यहां पर खड़े होकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ें। लड़ना तो खुद चाहते थे और उन्होंने हमारे ऊपर थोप दी। अगर आप देखेंगे तो डंडे उनके हाथों में है, देखेंगे तो तमंचे उनके हाथों में है। हमारे लड़के निहत्ते थे, उनके ऊपर निहत्ता वार किया गया। एक बार मेरी आपसे ये इल्तिजा है, सारी मेरी एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद है, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, एम ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, पैरेंट बॉडी जो पूरे देश की जो है गवर्निंग बॉडी है, मैं ऐलान करता हूँ कि आपके शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग आपके साथ हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे हम उसके साथ हैं। लेकिन मेरी एक साथ ये भी गुजारिश है, एक बड़े होने के नाते
नाते, बड़े भाई के नाते, गार्जियन के नाते कि आप इसी तरीके के सब्र और तहम्मुल का जो रहेगा इजहार करिएगा, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए तो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया जाए कि हम जो है वायलेंस चाहते हैं। हम वायलेंस नहीं चाहते, हम पीस चाहते हैं, हम पीस के लोग हैं, शेर से अपनी बात को खत्म करूंगा। आप लोगों की नजर शेर, ये राह दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना, राह दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना, गम के दरिया में उतरो तो खबर कर देना, मैं चलाऊंगा तहरी ना मोहब्बत ठहरी, तुम अगर टूट के बिखरो तो मैं काम करता हूँ। अपने आप को सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुलाजिम नहीं मानता है, बल्कि जो दूर दराज के बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आए हुए हैं उनका सरपंच तो मान लिया कि अगर आपसे चोट पहुंचती है तो दिल में दर्द हमारे भी होता है। कल वो हादसात वाकयात पेश आए, नहायत ही नागुफ्ता वे हैं, नहायत ही दर्दनाक हैं, उनको दोहराना तो दूर की बात, उनको सोचते हुए मैं रूह फाट जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। और उसके सितम पे ये सितम, जब ये एहसास होता है कि सिर्फ हमारे वजूद को मिटाने के लिए बहाने बना बना के तरह तरह के शोर जो निकाले जाते हैं, तो इस पे और अफसोस होता है हमें। बहरहाल जैसा कि मैंने अभी अपने ऑफिस पे तमाम मेरे मरने के साथ मैंने ये कहा, सिर्फ एक बात यहाँ कहे कि मैं आपके दरमियान से चला जाऊंगा। पहले तो ये बता दूं कि जो पूरा 8,000 नॉन-टीचिंग स्टाफ है वो शाना बुशाना आप लोगों के साथ हो, दे या ना दे हम हाजिर हैं, और अगर बुला लेना तो मैं इस बात को ये कह के अरबाब हुकूमत की नजर एक शेर करके जो है वो यहाँ से चला जाऊंगा कि मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम सितम क्या होता है। हमारी शराफत का जो यहाँ अदारे से हमने तहजीब सीखी है उसको तोड़ने के लिए हमें मजबूर ना करें, बल्कि वो लोग खुद इस बात की अगर रखें कि ऐसे हालात न पैदा हो कि हमें अपना आपा खोना पड़े और अपने म्याद से बाहर आना पड़े। हम ये समझते हैं, हमने अपने जो रेजोल्यूशन पास किया है और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो हमने डिमांड अपनी भेजी है उसमें खासतौर से हमने एक लोग कल यहाँ बदमाशी करने आए थे, जो लोग यहाँ पे बदतमीजी करने के लिए आए थे उनको फौरन अरेस्ट करके उन पे मुकदमा कायम करने की हमने डिमांड की है, जुडिशियल इंक्वायरी की हमने पूरी डिमांड की है, और जो ऑफिशियल जिन की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया उनके फौरन सस्पेंशन की हम डिमांड करते हैं। जो लोग यहाँ अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। अरे तुम सही तरह से बता दे तो सही, उसका भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है।
साथ अपनी बात को मुकम्मल भी करूंगा कि हम मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, हम मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी। आओ इस चमन के तलबा के साथ अपनी आवाज से आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इससे मैं कहना चाहता हूँ, ये नॉन टीचिंग के आपके बड़े भाई, आपके आपके वालिद की तरह भी इतने बड़े बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, सब आपके साथ में। नाज तुम पे करे ये जमीन आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।